अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। महतरम नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी अहम ख़बर आ रही है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, उत्तराखंड में गैर तस्लीम शुदा मदारिस को बंद कर दिया जाएगा, रियासती वज़ीर चंदन राम का ऐलान। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी मदारिस हुकूमत के निशाने पर। नाज़रीन, रियासत उत्तराखंड में भी गैर तस्लीम शुदा मदारिस को बंद करने की तरफ ट्रांसपोर्ट और समाजी बहबूद के वज़ीर चंदन रामदास ने इंदिया दिया है। उन्होंने वाज़ तौर पर कहा है कि जिन मदारिस को हुकूमत की जानिब से तस्लीम नहीं किया जाएगा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड की जायदादों पर कब्ज़ों के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि जल्द ही जायदादों को तजावजात से पाक कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी मदारिस की छानबीन जारी है। गैर तस्लीम शुदा मदारिस हुकूमत के निशाने पर हैं। रियासती वज़ीर चंदन रामदास ने कहा है कि हुकूमत गैर तस्लीम शुदा मदारिस को बंद कर देगी। रियासत के 419 मदारिस में से 192 मदारिस को सरकारी इमदाद मिलती है। उन्होंने कहा कि ये बात सामने आई है कि गैर तस्लीम शुदा मदारिस में पढ़ने वाले तलबा को छठी और नवी जमात में सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि अकलियती बच्चों को तालीम से महरूम न रखा जाए और मदारिस में तालीमी मेयार को बेहतर बनाया जाए, इसलिए महकमे तालीम से मदारिस को तस्लीम करने की हिदायत दी गई हैं। इसके बावजूद अगर सरकारी इमदाद याफ्ता मदारिस ने महकमे से तस्लीम नहीं किया तो ये मदारिस बंद हो जाएंगे। रियासत के तमाम मदारिस की छानबीन की जा रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ अमला की निशानदेही करके उनका मुहासरा किया जाएगा और उसके अंदर मौजूद गैर कानूनी कब्ज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, मदारिस के मुतालिक ये बड़ी अहम ख़बर है जो हमने आपसे शेयर की। इस ख़बर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।